और किसी भाई का कोई सवाल? मेरा क्रिएटिन 2.4 है, ठीक है, और यूरिया 65 और मसाले के वजूद भी बढ़े हुए, ब्लड प्रेशर भी शुगर। भाई ने सवाल पूछा है, जो मेरा क्रिएटिन 9 है वो 2.4 है और यूरिक एसिड कितना है? 8.3 इनका यूरिक एसिड है। और गुदे किस चीज़ के हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इनके प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब लोगों को बताया कि यार डायलिसिस मत कराओ, बल्कि आप लोग जो खूबसूरत ज़िंदगी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, इसके ऊपर अमल करो। सबसे पहला काम, किसी को भी गुर्दों की प्रॉब्लम है और उसका क्रिएटिन 9 बढ़ चुका है, यूरिया बढ़ चुका है, यूरिक एसिड बढ़ चुका है, उसके साथ प्रोस्टेट ग्लैंड भी लार्ज हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, उसके साथ ये 5 काम करो। सबसे पहला काम, सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर, प्लास्टिक, शीशा, चीनी, इसके बर्तन छोड़ दो, इनके बर्तन बिल्कुल छोड़ दो। क्यों छोड़ना है मेरे मोहतरम भाइयों, कभी गौर करो, खाना जिस बर्तन में पकता है उसकी प्रॉपर्टी लेके आता है। हमारा बदन किस चीज़ से बना? मिट्टी से। वापस कहाँ जाना है? मिट्टी में। कल क़यामत वाले दिन कहाँ से उठाया जाना है? हमारे बदन को खाना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी मिट्टी वाली हो, तो अपना खाना मिट्टी के बर्तन में पकाओ। अब खाने को पकाने के लिए कुकिंग ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल वो लेना है जो कभी जमे ना, और जितने कुकिंग ऑयल आप लोग इस्तेमाल करते हो अगर एग्जॉस्ट फैन किचन का उतारोगे तो उस पर क्या होगा, और अगर जहां सिंक जहां बर्तन धोते हो उस सिंक के ड्रेन के पाइप को उतारो उसमें क्या जमा होगा। मेरे मोहतरम भाइयों, सारे कुकिंग ऑयल बंद कर दो, सरसों के तेल में खाना पकाओ। क्यों? हकीम लुकमान एक बात कहा करते थे, जो शख्स जहां पैदा होता है उसकी जरूरत की चीजें रब वहीं पर पैदा करता है। हम जहां पैदा हुए वहां पे सबसे आम तेल कौन सा है? यहां सबसे ज्यादा सरसों है, और मेरे मोहतरम भाइयों ज्यादा इसलिए थी क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा है। जो चीज जितनी पैदा की जाती है उसकी जरूरत उतनी ज्यादा होती है, लेकिन अफसोस हम लोगों ने सरसों के तेल को छोड़ दिया। अब सरसों के तेल में 5 प्रॉब्लम है, रंग अच्छा नहीं, जायका अच्छा नहीं, खुशबू अच्छी नहीं, गाढ़ा है, झाग है, और सबसे बड़ी बात हमारी बॉडी उसकी यूज टू नहीं। क्या करें? 2 किलो सरसों का तेल लो, उसमें एक बड़े साइज का प्याज डालो, 10 उसमें सब्ज मिर्च डालो, 10 लहसुन की तुरियां डालो, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालो, इन सारी चीजों को छोटा छोटा काट लो, 2 चम्मच इसमें जीरा डालो, इसको इतना पकाओ इतना पकाओ इतना पकाओ, सारी चीजें ब्राउन हो जाए, इसको छान लो। इस तेल को मेरे मोहतरम भाइयों अपने खानों के लिए इस्तेमाल करो, इसका रंग, इसका जायका, इसकी खुशबू, वल्लाह आपने जिंदगी में इससे बेहतरीन तेल देखा ही नहीं होगा, करके देख लो। तीसरे नंबर पे आपको नमक चाहिए, और बदकिस्मती देखो, हर शख्स को पता है ब्लड प्रेशर बढ़े तो क्या बंद करते हैं? नमक। लेकिन कौन सा नमक बंद करना चाहिए मेरे मोहतरम भाइयों? एक नमक वो है जो अल्लाह ने पैदा किया, वो नमक है पिंक हिमालयन सॉल्ट, उसको कहते हैं स्टोन सॉल्ट, और एक नमक वो है जो आज इंसानों ने बनाया, वो है सी सॉल्ट, जिसको कहते हैं आयोडाइज नमक। ये बनता है समंदर के पानी से। आज से कई 100 साल पहले इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी जादुल माद, उसके अंदर लिखा जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा, जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा
और उसको अपने खानों में इस्तेमाल करेगा, वो अपने बदन में अनगिनत बीमारियां भर लेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, में जरूरत क्या थी समंदर से नमक बनाने की? और जिनके पास पिंक हिमालयन सॉल्ट नहीं, वो तो बनाते। और हमारे यहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना नमक का खेड़ा में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? 5 रुपए किलो नमक है, और हम लोग वो नमक नहीं खाते। हम लोग कौन सा नमक खाते हैं? जो 50 रुपए का आयोडाइज नमक है। अपना नमक बंद करो, पिंक हिमालयन सॉल्ट लेके आओ। और उसको खाने का तरीका क्या है मेरे मोहतरम भाइयों? पत्थर वाला नमक उसको घर में लाओ, उसको तोड़ो, पीसो, और जितना नमक एक दिन में आपको चाहिए उसको पानी के अंदर डालो, उसको मिक्स करो। जो नमक होगा वो पानी में हल हो जाएगा, और जो पीछे बचेंगे वो कंकर हैं, वो पत्थर हैं। और ये जो जितने लोगों को पत्थरियां हो रही हैं, किसी के पित्ते के पत्थरी, किसी की मसाने की पत्थरी, किसी के गुर्दे में पत्थरी, किसी की पेशाब की नाली में पत्थरी, मेरे मोहतरम भाइयों, ये आई कहां से? वो पत्थर जो नमक था उसको पीसा गया, उसके साथ जब वो पत्थर पीसा जो नमक नहीं था, वो पाउडर बन गया। आपके खानों में जब वो डाला गया और वो कंकर कंकर जरा 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 आपके अंदर जमा होता गया, वो क्या बन गया? पत्थरी बन गई। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आप नमक को पानी में हल करो, रोज जितना नमक चाहिए वो नमक इस्तेमाल करो। इसके बाद चौथी चीज मीठा है, अपना मीठा बदलो। रब ने जो मीठा पैदा किया था वो गुड़ था, और हम क्या खाते हैं? जरा गौर करो, ये चीनी जो है ना, चीनी में चूना डलता है। चीनी में क्या डलता है? कौन सा चूना? ये वाइट वॉश। अगर वाइट वॉश हाथ पे लग जाए तो हाथ की स्किन क्या बनती है, क्या होता है? इसको फट जाती है। और हर शख्स मीठे में क्या खा रहा है? किसी के मुंह में जख्म है, किसी के मेदे में जख्म है, किसी के आंतों में जख्म है, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी को पेप्टिक अल्सर है, किसी को फेस्टूला है। सारे उसका इलाज करने भाग रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से हो रहा है उसको कभी छोड़ा? वो चीनी है, चीनी बंद करो। उसके बाद आटा, मेरे मोहतरम भाइयों, आटा वो लेना था जिसमें चोकर था, जिसमें सूजी थी, जिसमें मैदा था, जिसमें फाइबर था। और ये आटा था जो पत्थर की चक्की में पीसा था। और बदकिस्मती देखो, हमारे यहाँ कौन सी चक्कियाँ आ गई? चाइना की, लोहे की, पत्थरियों की, ब्लेटों की, सील की। इन चक्कियों में आटा पिसता नहीं है, जलता है, क्योंकि इसमें जो ब्लेड लगे हुए हैं उसका आरपीएम इतना तेज होता है, जब वो घूमता है उसका आरपीएम इतना तेज होता है वो गंदम को जला देता है। इसीलिए जब चक्की से आटा निकलता है, नीचे हाथ रखो, हाथ क्या होगा? जल जाएगा। सोचो अगर हाथ को जो जला दे, जो गंदम के अंदर अज्जा है, चोकर, सूजी, मैदा, फाइबर, क्या वो बचेंगे? मेरे मोहतरम भाइयों, पत्थर की चक्की का आटा खाओ, अपने इलाकों में पत्थर की चक्की लगवाओ। ये 40-50 रुपए पीसने के पीछे जो ज्यादा लगेंगे वो आपकी जिंदगी बचा जाएगा। और उसके बाद पानी, मेरे भाइयों, पानी वो पीना था जो मिट्टी से निकलता है। और फिर बदकिस्मती देखो, जिनका सबसे अच्छे पानियों में से एक पानी, वो हमारे पंजाब का, और हमने वो पानी छोड़ के फिल्टर का पानी पीना शुरू कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, पानी वो लेना था जिसमें बंडल ऑफ मिनरल्स होते हैं। और वो पानी, 50 साल पीछे जाओ, कभी किसी के गुर्दे में कोई मसला बना था? जब लोग जहां अपने जानवरों को पानी पिलाते थे वहीं खुद पीते थे? कितने लोग, मेरे दादा सारी जिंदगी भैंसों का काम करते रहे, वो बताता, जहां मेरे दादा बताते थे, जहां सारे डंगर पानी पीते थे वहीं से हम पीते थे। हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा किसी को गुर्दे की दर्द हुई हो। और जब से आगे फिल्टर प्लांट, कितने किडनी सेंटर बन गए। मेरे मोहतरम भाइयों, जो जमीन से निकलने वाला पानी है उसको पहले छान लो, उबाल लो और मिट्टी के घड़े में डालो। मिट्टी के घड़े में पड़ा हुआ पानी
मेरे मोहतरम भाइयों, पानी नहीं है, दवाई है, बेहतरीन दवाई है। मट्टी का बर्तन पानी का TDS भी बदल देता है और उसका pH भी बदल देता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता चलेगा TDS क्या होता है, pH क्या होता है। अपना पानी बदलो, मट्टी के बर्तन में पहले पानी को उबालो, फिर उसको छानो, फिर उसको मट्टी के बर्तन में रख के वो पानी इस्तेमाल करो। ये 6 बातें यकीन जानो कर लो, ये हर बीमारी का इलाज है। और इसके साथ 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो। क्यों लेना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। और मेथी दाने के बारे में रिवायत में आता है, अगर लोगों को पता चल जाए इसके कितने फायदे हैं, लोग इसको सोने के बस खरीदे। मेरे मोहतरम भाइयों, कलवंजी और मेथी दाना बराबर मिकदार में ले लो। रात को कितना पानी पीते हैं आप पूरे दिन में? पूरे दिन में 1-1.5 गिलास। तो जितना पानी पीना है, मिसाल के तौर पे 1.5 गिलास है, आप 2 गिलास पानी लो और इसमें 2 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाने डाल दो, 1 लीमू निचोड़ो और उसको अच्छी तरह उबाल लो, अच्छी तरह उबाल लो। अब पानी आपने हमेशा यही पीना करना है। रात को इसको मट्टी के उबाल के मट्टी के बर्तन में उबाला, मट्टी के बर्तन में डाल दो। अब आपने सुबह इसको छानना है, जितना पानी पीना है कलवंजी और मेथी दाने वाला पीना है, और इसके बाद इसमें 1 चम्मच सेब का सिरका मिला देना है, 1 चम्मच सिरका मिला देना है। और सिरका आपने ऑर्गेनिक लेना है, ठीक है, ये पियो। जितना पानी है यही पीना है। इसके साथ कलबीना खाओ। कलबीना क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला ने फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब भी बीमार हो जाता था कलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। कलबीना किसे कहते हैं? जौ का दलिया। कलबीना क्या है? जौ का दलिया। जौ का दलिया लेंगे, लेकिन आप उसमें गुड़ नहीं मिलाएंगे, खजूर नहीं मिलाएंगे, ठीक है। आप उसको सिंपल वैसे तलबीना बनाएंगे, कोई सीजनल फ्रूट, उसका रस निकालेंगे, उसको अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना इसकी चटनी बनाओ। क्यों बनानी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला जो मशरूम मिलेगा लहसुन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती मैं कभी लहसुन ना छोड़ता। फरिश्तों को लहसुन की बहुत अच्छी नहीं लगती। लहसुन में 70 बीमारियों की शिफा है, और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ब्लड थिनर। तीसरी चीज अनारदाना। अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान में अनार को रुमान कहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना बराबर मिकदार में लो, इसमें सब्ज मिर्च मिलाओ, इसकी चटनी बना लो, हर खाने के साथ 1 बड़ा चम्मच ये इस्तेमाल करो। और रात को आप 1 कप पानी लो, उसमें आधी चाय, 2 कप पानी लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी का पाउडर, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, 1 सब्ज़ी इलायची और आधी चाय की चम्मच सौंफ, इसका काहवा बनाओ और सोने से पहले ये काहवा बना के पियो। इसके साथ रोज़ाना 6 अंजीर लो, 2 अंजीर सुबह, 2 अंजीर दोपहर, 2 शाम। इस नियत से लो कि अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान में जैतून की और अंजीर की कसम खाई, अंजीर को जैतून के तेल में भिगो लो, बल्कि स्टार्टिंग में 1-1 लो, 1 अंजीर सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 25-30 दिन ये लो, फिर जब बॉडी इसकी यूज टू हो जाए उसको दूर कर लो इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, लंबा सजदा करो और एक चीज अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दो, वह है गुस्सा। गुस्सा वल्लाह कभी गुस्से की और ब्लड प्रेशर की जितने सिम्टम्स हैं उनको देखिएगा, असल में गुस्सा है। आपने एक ही मजलिस में 3 मरतबा एक ही नसीहत की, ला तगज़ब, ला तगज़ब, ला तगज़ब, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्सा ना करो, बहुत रिलैक्स रहो। सबसे ज्यादा क्रिएटिनिन मेरे मोहतरम भाइयों बढ़ता है जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, गुस्सा हराम है, गुस्सा शैतान की तरफ से एक आग है, और जब हम उसमें मुब्तला होंगे हम कभी बच सकते नहीं हैं।